क्लासेस स्पेशल की ओर से कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लॉन्च की गई है, जो कि है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान की न्यूमेरिकल सीट। जानते तो आप भी हैं कि कक्षा 10वीं तक विज्ञान को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि वास्तव में देना चाहिए। हर बालक साइंस वर्ग पढ़ना चाहता है, परंतु साइंस का ही उसे ज्ञान नहीं होता है, बाकी अन्य विषयों को होता है। यह बहुत बड़ी विडंबना है। तो सबसे पहले चीज़ तो हम साइंस के महत्व को समझें कि यदि हमें साइंस वर्ग से ही आगे बढ़ना है तो साइंस का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, और उस साइंस में भी फिजिक्स एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो अगर अध्यापक आपको देता भी है तो हो सकता है परिभाषाओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें, लेकिन फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल के बेकार है। न्यूमेरिकल का मतलब, जब तक आप फिजिक्स से संबंधित सवालों को नहीं लगाएंगे, आपका बेस जीवन में कभी मजबूत नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप परीक्षाओं के पेपर को उठाकर देखें या फिर किसी भी अनसोल्ड को उठाकर देखें, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि आपने बढ़िया तैयारी की है तो परिभाषाओं को तो आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवालों की बात जब आएगी तो आपका वहाँ पर कलम आपकी रुक जाएगी, क्योंकि सवालों का रिवीजन हमने किया ही नहीं है, ना ही हमें करवाया गया। और कक्षा 10वीं में बच्चा इतना जागरूक नहीं होता कि वह अपने से एक्स्ट्रा बर्डन ले। जो अध्यापक काम देता है, हो सकता है वो वही पूरा ना करे, तो वो अतिरिक्त लेना भी नहीं चाहता है। लेकिन हमारे इस क्लास के माध्यम से आपको सवालों की एक ऐसी श्रृंखला दी जा रही है, यदि आपने इतने सवालों को तैयार कर लिया तो यह मान के चलिए कि बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए, आपसे किसी भी कीमत पर छूटने वाला नहीं है। और सवालों का यही महत्व तो आपका 12वीं की कक्षाओं में भी होता है। बालक जब 10वीं की तैयारी कायदे से नहीं करता तो 12वीं में जाने के बाद में या तो वो फेल होता है या तो फिर उसका बेहतर परिणाम नहीं मिलता जो उसे चाहिए था। तो हम उसका बेस अभी से तैयार करेंगे, और उसको देखते हुए हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल सीट तैयार की है, और न्यूमेरिकल सीट में लगभग 500 से ऊपर, लगभग 500 से 700 प्रश्नों का संकलन किया गया है। मतलब अध्याय सिर्फ आपके पास 4 हैं, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन कम से कम 500-700 मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये श्रृंखला आपकी 1000 तक जाएगी। जो भी PDF आपको प्राप्त होगी लगभग 1000 प्रश्नों के आसपास होगी, वो भी सिर्फ न्यूमेरिकल की। तो यदि इतने सवालों को अगर आप लगा लेते हैं, और उस लगाने में भी हम आपकी बराबर मदद करेंगे, यदि आपसे किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं बनता है तो उसके लिए हम आपके साथ हैं, हर सवाल का सलूशन आप तक पहुँचाएँगे। बस ज़रूरत है आपको हमारे साथ जुड़ने की। तो इस PDF को हमने स्वयं से कंप्लीट किया है, बहुत सारी किताबों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है, और बहुत सारे अनसोल्ड और बहुत सारी बुक्स, मॉडल पेपर सबसे छांटकर हमने इन प्रश्नों को एकत्र किया है, और यह प्रश्न आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हो चुके हैं कि जो कि आपकी पूरी कंप्लीट स्टडी के लिए ज़िम्मेदार होंगे। और इस सीट को तैयार करने में एक बहुत लंबा समय लगा है, तो इस ईबुक को हम लोग आपके साथ जो शेयर करेंगे बहुत ही कम रेंज पर, मात्र 10 रुपये इसका ईबुक का रेट है, मात्र 10 रुपये इसका ईबुक का रेट है, जिसको आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। 10 रुपये मतलब एक ऐसा अमाउंट, तो हो सकता है कि इससे कुछ कम कुछ होता ही नहीं। यदि इसकी हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो ये आपको लगभग पड़ेगी 100 रुपये के आसपास, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपको मात्र 10 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी। तो हार्ड कॉपी हम जो ऑफलाइन क्लासे वहाँ के बच्चों के लिए हम लोग रखते हैं, और इसके अतिरिक्त जो दूर के बच्चे हैं वो सॉफ्ट कॉपी लेकर अपना प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ पेमेंट मोड दिए गए हैं, आप किसी भी पेमेंट मोड के माध्यम से आप 10 का पेमेंट करके आप इसकी ईबुक आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको सवाल दिखा देता हूं कि कितने हैं और कैसे कैसे हैं, तो आप देख सकते हैं इन सवालों को जो लिया गया है, ये लगातार देखिएगा, पहले अध्याय के आपके सवाल हैं, कहां तक जाते हैं, ये आपके जाते हैं आपके लगभग 38,
लगभग 38 नंबर तक ये गए। इसके बाद में देखिए लगातार जा रहे हैं आपके ये सवाल, आपके पहुंचे आपके 103 सवाल आपको भाग एक में मिले, भाग एक में मिले पहले अध्याय में। देखिए भाग दो स्टार्ट हो गया, 100 से ऊपर सवाल वहां पर थे, और भाग दो में आप देखिए भाग दो में लगभग आपके पास हैं 65 सवाल हैं, 65 सवाल हैं, तो मतलब लगभग 200 के आसपास हम पहुंच चुके। अभी पहला ही पार्ट है, और इसके भाग तीन में आपके पास कितने सवाल हैं, लगभग आपके पास है 42 सवाल हैं। अब देखिए आप 250 के आसपास पहुंच चुके हैं, और भाग तीन का खंड खा है, इसमें आपके पास सवाल कितने हैं, 61 सवाल, सॉरी ये पेज डबल हो गया, 61 सवाल हैं। तो ये लगभग 300 से ऊपर, 300 से ऊपर सवाल तो सिर्फ पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे, और 300 सवालों का रिवीजन मैं मानता हूँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इतना तो आपको इंटर में भी नहीं करवाया जाता, हाई स्कूल में कोई नहीं करवाएगा, और सवालों से अध्यापक दूर ही रहता है। परिभाषाएँ बता दी, समझा दी, बस हो गया, बात ख़त्म। इसके बाद में आप समझो आप, लेकिन ये जो बुक है ये आपके लिए वरदान साबित हो सकती है यदि आप इसको लेकर अध्ययन करते हैं, और इस अध्ययन में हम आपके साथ बराबर हैं। यदि आप ई बुक भी लेते हैं और उसके बाद में यदि किसी प्रश्नों के आपको ज़रूरत है सोल्यूशन की, तो वो भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन उसका कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ ई बुक का चार्जेस है जो आपकी, आपको यदि आपको पसंद है तो आप उसको कर सकते हैं। दिया गया जो ऊपर नंबर था वही अपना व्हाट्सएप नंबर भी है, और वही अपना ऑनलाइन पेमेंट का भी माध्यम भी है। अब देखिए चलते हैं दूसरे अध्याय में, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास से लगभग 21 प्रश्न तो आपके हैं पहले पार्ट में, फिर इसके बाद स्टार्ट होता है दूसरा पार्ट, तो दूसरे पार्ट में आपके पास फिर 21 प्रश्न हो जाते हैं, तो 42 हो गए। फिर स्टार्ट होता है तीसरा पार्ट, तो तीसरे पार्ट में 11 सवाल हो गए, तो मतलब लगभग 60 सवालों के, 50 से 60 सवाल आपके दूसरे अध्याय में सही। ठीक है, तो आपने देखा कि 300 वहाँ हो गए थे और 60 ही हो गए, तो 360 के आसपास आपके पास हो गए। अब देखते हैं तीसरे अध्याय में हम लोग, तीसरे अध्याय का देखिए पहला पार्ट स्टार्ट होता है, और ये पहले पार्ट में जाकर आपके पास सवाल जाते हैं 62 सवाल, तो देखिए पहले खंड में तीसरे अध्याय के 62 ये हो गए, और इसके बाद में और आगे बढ़ते हम लोग, इसके देखते जाइए 71 एक में है, तो 60 और 70 कितने हो गए, 130 के आसपास पहुँचे। और देखिए इसके तीसरे भाग में कितने हैं, तीसरे भाग में है इसके पास लगभग 37। ठीक है, तो लगभग 200 के आसपास ये पहुंच गए, तो आप देख सकते हैं कि 500 के आसपास सवाल आपको यहाँ मिल चुके हैं, और इसके बाद चौथा अध्याय भी है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यह आपके लिए ई बुक कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। 70 पेज है इसमें, जिसको हम लोगों ने एक एक प्रश्नों को चुनकर महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न थे वो सब आपके लिए उपलब्ध किए हैं, और यह बुक नहीं आपके लिए वरदान होगी आपके इस परीक्षा के लिए। कक्षा 10वीं की परीक्षा में बहुत अच्छे यदि आप नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज करें। इसकी जो भी ई बुक है ये आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध हो जाएगी, तो जितने भी बच्चे इच्छुक हों, जो ऑफलाइन हैं बच्चे अपने यहाँ, उन बच्चों को तो वो परचेज कर सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी, और जो ऑनलाइन जो बच्चे लेना चाहें तो देखिए भरोसा 10 रुपये का तो हो ही सकता है, लेकिन यह 10 रुपये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, और इसके बाद में बहुत ही जल्द हम लोग का देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से एक स्पेशल अनसोल्ड लॉन्च होगा कक्षा 10वीं का और 12वीं का, जिसमें आप देखेंगे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सिर्फ आप उन्हीं को पढ़कर अगर परीक्षाओं में बैठ गए तो परीक्षाओं में फेल होने वाला कोई व्यक्ति आपको, मतलब फेल होने की कोई भी प्रयास करे लेकिन आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने जो चीज़ पढ़ी है आपको लगभग पेपरों में वही मिलेगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरा मिलेगा, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कोई आपको फेल करने वाला नहीं है, और जो चीज़ें हम आपको देंगे प्रश्नों के रूप में उसका आंसर भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आंसर बुक हम आपको तब देंगे जब आप इसको हल करेंगे।
अब आप इसको एक बुक के रूप में यदि आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। ये किताब आपके लिए बहुत ही बेहतर है, और बाकी आप अपना विवेकपूर्ण निर्णय स्वयं लीजिए। यदि आपको लगता है कि हाँ हम इस बुक को लेकर कुछ बेहतर कर सकते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़िए, और या फिर इसी नंबर पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क करके आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। हमने आपको बताया ई बुक की कीमत मात्र 10 रुपये है, बहुत बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन यह आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। तो जो भी फैसला आपको, यदि आप सिर्फ ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से आपकी क्लासें मिलती रहेंगी, ऑनलाइन लेते रहिए, लेकिन बिना बुक के पढ़ाई नहीं होती है, ये आप भी जानते हैं। यदि आप बुक को लेते हैं तो आपका आने वाला जो अगला एग्ज़ाम होगा वो आपका बहुत बेहतर जाने वाला है। ये 10 रुपये नहीं है, ये आपके 100 में 100 नंबर की तैयारी हम करवाने जा रहे हैं फिजिक्स के अंतर्गत में। इसी तरह की एक बुक और भी आपके लिए लॉन्च होगी, जो होगी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो वास्तव में आपकी परीक्षाओं में आती हैं और जो बच्चों से वास्तव में बनती नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री को इतना हल्के तरीके से पढ़ाया जाता है नॉर्मल स्कूलों में कि हो सकता है परिभाषाएं बताकर केमिस्ट्री को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं महत्वपूर्ण जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो पेपरों में आ जाती हैं। तो वो चीज़ जो भी होगी जब लॉन्च होगी वो आपके सामने होगी, लेकिन फ़िलहाल हम फिजिक्स की बात करेंगे। तो फिजिक्स के लिए एक बेहतर बुक साबित होगी, आपके लिए वरदान है, आप ध्यान दीजिए। जैसा आपका निर्णय हो आप समझिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले एक नए नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद।